आज मैं आपको एटीएम में होने वाले कुछ फ्रॉड्स के बारे में बताता हूँ जो रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर जो स्कैमर्स हैं वो इन चीज़ों का सहारा लेकर के लोगों का पैसा ठग रहे हैं। तो एक है कैश ट्रैपिंग स्कैम। कैश ट्रैपिंग स्कैम पिछले कुछ महीनों से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। कैश ट्रैपिंग स्कैम ऐसा स्कैम है जिसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके जो अकाउंट के पैसे हैं वो कट चुके होंगे, फिर आपको भाग दौड़ करनी होगी फिर उन्हें वापस लेने के लिए, और कई बार वापस भी नहीं मिलते। उसमें क्या होता है, आप किसी एटीएम मशीन में जाते हैं, नॉर्मली कार्ड इंसर्ट करते हैं, पिन डालते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको रिसीट आती है, उसके बाद मशीन बताती है कि कैश आपका निकल चुका, लेकिन आपको कैश नहीं मिलता है। अब आप कंप्लेन करते हैं, उसके बाद ये पता चलता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं। तो ये स्कैम कैसे हो रहा है, तो मुंबई में रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट आया था जिसमें पुलिस ने दो लोगों को अरेस्ट भी किया था। दरअसल जो स्कैमर्स हैं वो करते क्या हैं कि एटीएम मशीन के पास जाते हैं और जहां से कैश बाहर निकलता है वहां पर एक टेप या फिर कोई कार्डबोर्ड जैसी चीज़ को चिपका देते हैं। कई बार ये ट्रांसपेरेंट शीट का भी सहारा लेते हैं जिससे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम और आप जैसे जाते हैं तो पता नहीं चलता है, और उसे ध्यान से भी लोग देखते नहीं है कि वहाँ पर कुछ लगा हुआ है। तो जैसे ही कैश बाहर आता है तो उसकी वजह से वो ट्रैप हो जाता है अंदर ही और वहीं पे कैश रह जाता है, और आप जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके एटीएम से बाहर निकलते हैं तो वो जो स्कैमर्स होते हैं वो आसपास ही कहीं पे होते हैं, मतलब वहीं पे होते हैं, जस्ट एटीएम के बाहर ही होते हैं। फिर उसके बाद वो अंदर जाते हैं, वहाँ से टेप हटाते हैं और जो मनी है, जो कैश है, वो वहाँ से निकाल लेते हैं और आपके साथ फ्रॉड हो चुका होता है इस तरीके से। तो ये एक तरीका है फ्रॉड का। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है, अगर आप जानते हैं कि इस तरह के स्कैम हो सकते हैं आपके साथ, तो आप जाते ही सबसे पहले वही चेक करेंगे कि वहाँ पर कुछ अलग से चीज़ लगी ना हो, तो मेक श्योर कर लें जाने से पहले। दूसरा स्कैम क्या है कि जो जहाँ पर आप कार्ड लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ पर एक छोटा सा डिवाइस लगा करके जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है कार्ड में, उसको क्लोन कर लिया जाता है। तो स्कैमर्स काफ़ी हाईटेक हो चुके हैं, तो उसे क्लोन करने के बाद बेसिकली कार्ड का क्लोन तैयार कर सकते हैं स्कैमर्स। आपके कार्ड का क्लोन तैयार करके आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इसे अवॉइड करने के लिए आप उस तरह के एटीएम में जाएं मोस्ट ऑफ द टाइम जो बैंक प्रेमिसेस में हो, ताकि कहीं आप आराम से कंप्लेन कर सकें। कई एटीएम ऐसे होते हैं जो आउटडोर में होते हैं और देख करके उन्हें लगता है कि यहाँ कोई नहीं है, इनफैक्ट वहाँ गार्ड भी नहीं होता है, एटीएम मशीन भी आपको दिखेगी तो उसके साथ भी कुछ छेड़छाड़ किया जा सकता है, तो वो भी आप ध्यान रखें कि वो चीज़ ना हुई हो, तभी वहाँ से कैश निकालें। एक और स्कैम है जिसे कीबोर्ड जैमिंग भी कहते हैं। कीबोर्ड जैमिंग में क्या होता है कि दो तरीके से ये काम करता है। पहला, कार्ड आपने एंटर किया, उसके बाद कीबोर्ड पे आपने कुछ लिखना शुरू किया, तो वो सब कुछ आप टाइप नहीं कर पाएंगे। आप बार बार कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे और वो कीबोर्ड, मतलब जो की स्ट्रोक है, वो काम नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप कार्ड बाहर निकालने की कोशिश करेंगे वो वहाँ से नहीं निकलेगा। तो जाहिर सी बात है, आप थोड़ा सा हिचकेंगे और इधर उधर देखेंगे, फ़ोन करेंगे, आसपास किसी से मदद मांगने की कोशिश करेंगे, गार्ड से या फिर अगर वो बैंक के आसपास है तो आप जाएंगे। तो जैसे ही आप वहाँ से निकलेंगे, तुरंत जो स्कैमर्स आसपास जो बाहर टहल रहे होंगे वो आपका कार्ड निकाल लेंगे, फिर आपके साथ ये भी फ्रॉड हो सकता है। तो एटीएम पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। अब सिर्फ वो बात नहीं है, क्योंकि आमतौर पे लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो अपना पिन छुपा लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोगों को यही बताया जाता है कि आप पिन किसी के साथ शेयर ना करें, तो पिन के ऊपर हाथ रख लेते हैं ताकि कोई देखे नहीं। तो ये बहुत पुराना हो चुका है और स्कैमर्स भी इस चीज़ को समझते हैं कि सारे लोग जो है वो पिन काफ़ी ध्यान से डालते हैं, छुपा करके डालते हैं, तो वो स्कैम ज़्यादा नहीं हो सकता लोगों के साथ। लेकिन इस तरह के स्कैम जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, वो ज़्यादा हो रहे हैं। इसी वजह से अगर आपके पास अवेयरनेस है कि एटीएम के अंदर आप कैश निकालने जाएं तो आपके साथ इन तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं, शिमिंग, स्किमिंग, इस तरह के भी स्कैम हो सकते हैं, तो बच सकते हैं अगर आपको सिर्फ जानकारी है तो। क्योंकि इसे बचने के लिए कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ आपको देखना है, समझना है कि कहाँ पे एटीएम है, एटीएम पे कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस तो नहीं लगी है, टेप नहीं लगा हुआ है या फिर टेम्पर्ड नहीं है वो एटीएम। वो आराम से अगर कुछ ऐसा नहीं है तो आप आराम से कैश निकाल सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर सस्पिशन आपको लगे तो सीधा आप बैंक को कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया होता है, उसे कॉल कर सकते हैं, आप किसी की भी असिस्टेंस ले सकते हैं।